Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Dear students, today we will discuss question number 4 and 5 of exercise 1D. So let's start. Open page number 20 of this book. There is question number 4. Question number 4 is, if A equal to A, B, C, D, यानी कि कह रहा है कि अगर A सेट जो है वो A, B, C, D के इक्वल है एंड B जो हमारा सेट है वो इक्वल है A, C के, ठीक है. फाइंड अ सेट सी, कहते तो सी आपने क्या करना है, मालूम करना है सच डैट, जैसा कि वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी जो इक्वल टू है वो बी के है. कहते इज सी यूनिक, कहते हैं सी जो है क्या वो यूनिक सेट है. तो चलिए इसको मालूम करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है. तो इसको आपने इस सॉल्व करना, इस तरीके से स्टार्ट करना, ठीक है. उसने हमें बता दिया कि ए सेट ये है और बी सेट ये है, सी जो है वो हमें मालूम नहीं है, सी सेट जो है वो हमें पता नहीं है कि सी क्या है, ठीक है. उस लेकिन उसने हमें ये भी बताया है कि सच डैट ए इंटरसेक्शन सी, इधर आप लिखेंगे सच डैट ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू है बी के, ये चीज़ उसने हमें बताई है, ठीक है. अब ए सेट हमें मालूम है क्या है, ठीक है. तो हम ए की जगह पे क्या करेंगे, इसके मुताबिक सॉल्व करते हैं. ए के वैल्यूज़ क्या हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ए बी सी और डी, ठीक है. दरमियान में ये इंटरसेक्शन का साइन सी हमें मालूम नहीं है, ठीक है. लेकिन बी की सेट हमारे पास मौजूद है, वो क्या है, ए और सी, ठीक है. अब देखें हमने इसको सॉल्व करना है कि हम इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो दोनों सेट्स में कॉमन आए वो हमारे पास आंसर आता है. आंसर में हमारे पास ए सी है, इट्स मीन ये ए सी है. तो कॉमन लेने के लिए हमें फिर अगर यहाँ पर ए सी मौजूद है तो यहाँ पर जो सी की जगह पे हम लोग जो वैल्यूज लिखेंगे सेट सी की वो ए और सी लिखेंगे. ये देखें अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं ये तो कॉमन यही आ रहा है ए सी, ए सी, ये देखें दोनों में कॉमन आ रहा है ए सी, तो हमारे पास आंसर में भी क्या है, ए सी. तो ए सी इक्वल टू किसके है, बी के, ठीक है. तो इट्स मीन जो हमारा है बी तो वो किसके इक्वल होगा, किसके, सी के इक्वल होगा, ठीक है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी एज्यूम, ठीक है, कि सेट सी जो इक्वल टू है सेट बी के है. और देखें ये कोई न्यू और एलिमेंट्स नहीं है, जो सेट बी है वो ए में मौजूद है, ऐसे ही है. तो बी इज़ द सबसेट ऑफ, क्या लिखेंगे, जो उसका पार्ट है ना, तो बी इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, सेट ए का, ठीक है. सो सी इज नॉट अ यूनिक सेट, तो सी जो है वो हमारा यूनिक सेट नहीं है. तो क्या लिखेंगे, सी इज नॉट अ यूनिक सेट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स. कहते हैं ये जो पेयर्स ऑफ सेट्स गिवन है आपने इनके इंटरसेक्शन और यूनियन जो है वो मालूम करने हैं. तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं. इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यूज़ दोनों में कॉमन, दोनों सेट्स में जो कॉमन होती है हम लोग उनको ले लेते हैं, और यूनियन में दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी इसका मालूम करते हैं, ठीक है. ए यूनियन बी में एक एलिमेंट्स पहले लिखेंगे 3, 6, 9 और 12, ठीक है. दरमियान में ये यूनियन का साइन लगाएंगे, उसके बाद बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 6, 8 और 9. तो मैंने यही बताया कि यूनियन में हम लोग क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे, ठीक है. 3, 6 लिखना है एक बार है, ठीक है. 3, 6, 6 उसके बाद क्या आता है, तरतीब से लिखेंगे 8, 9 और 12. ये देखें कितना ज़्यादा आसान है. ऐसे ही हम लोग ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, दोबारा से यही एलिमेंट्स लिखेंगे 3, 6, 9, 12. यहाँ पर जो हम लोग इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, ठीक है. बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 6, 8 और 9, ठीक है. अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या आ रहा है, ये इक्वल का साइन शो कर रहा है कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो लिखा हुआ है, ठीक है. अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 9, 6 और 9 ही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है. तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं सेम ऐसे ही हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं है. मैं आपको नोट से समझा देती हूँ, ठीक है. आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो तब आपको आसानी से जो है वो सॉल्व समझ भी आएगी और आपका मैथ्स भी अच्छा होगा, ठीक है. अब देखें जैसे बी पार्ट में है जो सी के एलिमेंट्स है ए बी एक्स वाई है और डी के एलिमेंट्स है हमारे पास एम एन ओ पी है, ठीक है. तो इन दोनों का देखें ये क्या किया है, यूनियन में इन सबको इकट्ठा करके लिख दिए, ठीक है.
और इंटरसेक्शन में क्या हुआ है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट है, कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आया, तो उसको एम्प्टी सेट से शो करते हैं या फाइव से करते हैं। इसमें भी ऐसे ही है, ये इनका यूनियन जब लेंगे ये मंकी गोट लाइन टाइगर का, तो इसमें ये देखिए गोट दो बार आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने यूनियन में एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो इनको एक ही बार लिख के अब इंटरसेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, गोट सिर्फ कॉमन था तो हमारे इंटरसेक्शन में गोट आ गया। डी पार्ट में देखे कह रहे हैं जी, हमने जी यूनियन एच मालूम कह रहे हैं, एच जो है हमारे पास वो फाई है, यानी कि एम्प्टी सेट है। तो जाहिर सी बात है यूनियन में हम लोग हमारे पास यही वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए एम के वाई है, ठीक है। और इंटरसेक्शन में भी हमारे पास देखें ये जी के एलिमेंट्स तो ये ए एम के वाई, लेकिन एच के एलिमेंट्स नहीं है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो जी इंटरसेक्शन एच जो है वो हमारे पास फाई आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, अपना बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।